भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अरे भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनके प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगवान भक्त के बस में है, किसके बस में है माई बाप बोलो। तो 7 दिन में आपने ये समझ लिया कि भगवान भक्त के बस में है, समझा? हमें तो नहीं लग रहा हुआ। विदिशा के आदमी आओ, विदिशा के आदमी बहुत खतरनाक होते हैं। विदिशा का एक विद्यार्थी था, बड़ा चतुर होशियार, मास्टर पढ़ा रहे थे। मास्टर ने कहा अच्छा सुनो, जो पेंटिंग बनाएगा उसको इनाम मिलेगी, पेंटिंग बनाओ पेंटिंग। विदिशा का चंगीलाल, वो भी बैठा था क्लास में, बाकी विद्यार्थी पेंटिंग बनाने लगे। इसने कोरा कागज लिया और पहुंच गया मास्टर के पास, बोले लो बन गई। मास्टर बोले इतनी जल्दी? अरे बोले आप तो बोल नहीं पाए तभी बन गई थी। मास्टर बोले हद हो गई। मास्टर ने धीरे से पहुंची, विदिशा के हो क्या? बोले हाँ। बोले दिखाओ पेंटिंग। मास्टर ने पेंटिंग देखी, बोले बोले ये तो पूरी कोरी है, सफेद कागज है, ये क्या मूर्खता है, इसमें कहाँ पेंटिंग है। विदिशा का आदमी ऊंचे लेवल का तो होता ही है, बोला सर जी सर जी सर जी ये जो है आधुनिक पेंटिंग है। बोले आधुनिक पेंटिंग में आकर बनाया क्या है? बोले सर जी गाय घास खा रही है। मास्टर ने देखी, बोले इसमें तो कहीं गाय नहीं दिख रही न घास दिख रही। चंगीलाल बोला घास तो गाय खा गई है। तो बोले जब घास गाय खा गई तो गाय कहाँ है? बोले खाने के बाद गाय क्यों रुकेगी, वो भी घर चली गई, वो यहाँ क्या करेगी। बाकी जो पेंटिंग बची सो हम ले आए हैं। बोले जय हो, जय जय जय, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसीलिए भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, हाँ जी भक्त है इनके प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है। भगवान भी कहते हम भक्त पराधीनो, हम भक्तों के अधीन है। और बहुत अच्छी बात ये है कि भगवान भक्तों के अधीन है और भक्त भगवान के अधीन है। आहा, हम आपको एक चरित्र सुनाते हैं, बड़ा अच्छा चरित्र है।